नगर निगम भिलाई चरोदा के महापौर निर्मल कोसरे ने ट्रांसपोर्ट नगर हथखोज का दौरा किया। उन्होंने वहां चल रहे 57 करोड़ के विकास कार्यों का निरीक्षण कर कार्य के लेट लतीफी पर ठेकेदार को जमकर फटकार लगाई। महापौर ने ठेकेदार को नोटिस जारी करने के आदेश निगम अधिकारियों को दिए। इस दौरान ट्रांसपोर्टरों ने विकास कार्य में बाधित अतिक्रमण को स्वयं हटा लेने का आश्वासन महापौर को दिया। नगर निगम भिलाई चरोदा के महापौर निर्मल कोसरे ने पदभार ग्रहण करने के बाद ही से क्षेत्र की जमीनी हकीकत से रूबरू होते नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने निगम क्षेत्र के हथखोज स्थित ट्रांसपोर्ट नगर में चल रहे विकास कार्यों का अवलोकन किया। उनके साथ निगम आयुक्त कीर्तिमान सिंह राठौर, इंदिरा नगर हथखोज की पार्षद श्रीमती ठामेश्वरी साहू सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी शामिल रहे। इस समय 57 करोड़ रुपए की लागत से ट्रांसपोर्ट नगर में विकास कार्य चल रहे हैं। वहीं महापौर निर्मल कोसरे ने चल रहे विकास कार्यों की लेट लतीफी पर ठेकेदार को फटकार लगाई और इसके लिए अधिकारियों को शीघ्र नोटिस जारी करने का आदेश दिया। उन्होंने अधिकारियों को कार्य की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान रखने की भी हिदायत दी। महापौर ने विकास कार्यों में बाधा बन रहे अतिक्रमण को चिन्हित कर 3 दिन के अंदर सभी संबंधितों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। 57 करोड़ से अधिक की राशि ट्रांसपोर्ट नगर के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदान किया है, जिसका काम मात्र 2% अभी प्रगति पर हुआ है। मैं तत्काल उनको, जो ठेकेदार हैं, उस कंपनी को बुलाया था और कमिश्नर ई और इंजीनियर के साथ हम लोग वहाँ पर विजिट गए। मैंने 3 दिन का उनको समय दिया है। 3 दिन के अंदर जितने भी इंक्रोचमेंट है उनको चिन्हांकित किया जाए और 3 दिन के बाद मंडे से सबको नोटिस दिया जाएगा और 1 हफ्ते के बाद जिनका भी बढ़ा हुआ दुकानें हैं, जिनके बढ़े हुए अवैध जगह है, उन सारे को तोड़ के ट्रांसपोर्ट नगर का जो काम है उसको गति प्रदान किया जाएगा। महापौर निर्मल कोसरे के पहुंचने पर ट्रांसपोर्ट नगर एसोसिएशन के पदाधिकारी व सदस्यों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान ट्रांसपोर्टरों ने स्वयं के द्वारा अतिक्रमण हटाने के साथ ही विकास कार्यों में निगम प्रशासन को पूरा सहयोग देने का भरोसा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट।